हेलो एवरीवन, जैसे कि अभी यूट्यूब में बहुत सारी बातें चल रही है, बहुत सारे लोग अलग अलग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग के रिगार्डिंग। तो मैं उसी टॉपिक टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगा आप सभी को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय का जो भी मेरे तरफ से अपडेट होता है, जो आपकी जानकारी में नहीं होता है, उसे सबसे पहले आप अपडेट हो सके, उसके बाद आप अपने टीम को अपडेट करा सके। तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने टीम में शेयर कीजिए, क्योंकि इस सारे जो भवंडल जो चल रहे हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके का वीडियोस बना करके अपलोड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके टीम मेंबर्स इसे देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कॉल आती है। तो फ्रेंड्स, ये उन सभी के लिए ही है, और आप अपने टीम में भी इसे शेयर कीजिए, ताकि आपका टीम से दोबारा ऐसा सवाल ना जुड़े। सो फ्रेंड्स, डायरेक्ट सेलिंग लीगल है या अनलीगल है? अभी के समय में जो 2021 के रूल्स के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स निकाला, उस रूल्स के मुताबिक डायरेक्ट सेलिंग में वो तरीके के उस तरीके के डायरेक्ट सेलिंग इलीगल है जो लोग पैरामीटर्स पे चलते थे। जो लोग पैरामीटर्स पे चलते थे, तू 1 ला, एक के बदले दो मिल, तुमको 200 रुपया मिलेगा, 400 रुपया मिलेगा, सिर्फ पैसे का खेल खेला करते थे, वो उस तरीके का नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बंद हो चुका है इंडियन गवर्नमेंट लॉ के मुताबिक। दूसरी बात है कि जितने भी लोग मनी सर्कुलेट किया करते थे, यानी विदाउट प्रोडक्ट सिर्फ पैसे से अपना बिजनेस को चला रहे थे, यानी 500 का ज्वाइनिंग लो और तुम दो ज्वाइनिंग लगाओ तो तुमको 1000 मिल जाएगा, खुद 500 करके ज्वाइनिंग कराना है, खुद ज्वाइन होना है, और दो आदमी को अगर हम ज्वाइन करा दिए तो तुमको 500, इस तरीके का पैरामीटर्स वाले मनी सर्कुलेट करने वाले नेटवर्क कंपनी बंद हो चुकी है। दूसरी बात, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आया हुआ है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। तो वो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशंस जितने भी आए हैं, कहीं ना कहीं वेस्टिज हर जगह पे उत्तम है, और वो पहले से ही ये सारे चीज को फॉलो कर रहा है, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पहले से ही फॉलो कर रही है। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें आप लोगों को टेंशन लेने वाली कुछ बात नहीं है। अब हमें प्राउडली, हम फील करके प्राउडली लोगों को ये बता सकते हैं, यस, मैं एक डायरेक्ट सेलर हूँ, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हम इंडियन गवर्नमेंट के भी नज़र में आ चुके हैं, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, और इससे इंडिया का जीडीपी कितना ग्रो हो सकता है और हो रहा है। सो फ्रेंड्स, इसमें कुछ रूल्स नए नए आए हैं, अगर उस रूल्स को आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट का जो सेक्शन है उसमें आप कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं कितने सारे क्या क्या लो नया गाइडलाइंस बना है उस एक एक पॉइंट को मैं आपके सामने रख सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, टेंशन लेने वाली कुछ बात नहीं है, इससे आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है। अब नेटवर्क मार्केटिंग भी बहुत आगे बढ़ चुका है, और उस तरीके का पैरामीटर्स में चलने वाली कंपनियां बंद हो गई, यानी कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम लोग किसी के पास मार्केटिंग प्लान शो करने जाते थे तो लोग बोलते थे, आ गया पैसा खाने वाला, आ गया पैसा खाने वाला, एक के बदले दो लेने वाला, 500 रुपया तुम दो, 500 रुपया हम देंगे, तेरा आ जाएगा 1000 रुपया। तो इस तरीके का पैरामीटर्स भी जो कंपनियां चलती थी वो बंद हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है इसके लिए। तो आप लोगों को टेंशन लेने वाली कुछ भी बात नहीं है, आप अपने काम पर फोकस कीजिए, आप बस अपने काम पर फोकस कीजिए, और सिर्फ काम पर फोकस कीजिए, और इस वीडियो को अपने टीम में उस लोगों के पास पहुंचाएं जो लोग ये सवाल करते हैं आपसे कि नेटवर्क मार्केटिंग लीगल है या अनलीगल है। मैं बताऊंगा, लीगल है अगर इंडियन गवर्नमेंट लॉ के मुताबिक गाइडलाइंस जो निकला है उसके मुताबिक अगर सारी कंपनियां चल रही है तो वो लीगल है। फ्रेंड्स, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।